प्रिय महानुभावों, परम पूज्य सदगुरुदेव श्री महाराज जी कहते हैं कि आत्मनिवेदन शुरू होने से स्वतः ही ध्येय अपनी ओर मन को खींचने लग जाएगा। ठीक यही प्रभु के गुरु महाराज जी के ध्यान की भी स्थिति होती है। ध्यान में साधक का मन जहाँ रहा है, ध्यान परमपिता परमात्मा में लग रहा है, माया उसको अपनी ओर खींचती है। हम जब ध्यान में बैठते हैं तो माया के ख्याल आते हैं, माया की पल पल याद आती है, संसार का चिंतन होता है, वैसे माया का ध्यान नहीं आएगा। जहाँ पर आप ध्यान में बैठेंगे तुरंत माया का ख्याल आना शुरू हो जाएगा, बार बार माया का ख्याल आता ही रहेगा। अगर हमने निश्चयात्मक बुद्धि से माया के परिधि से मन को निकाल दिया तो हमारा जो ध्येय है प्रभु परमपिता परमात्मा को पाने की, वही आकर्षण स्वतः ही हमारे जीवन को खींचने लगेगा। सज्जनों, आदरणीय श्री महाराज जी कहते हैं कि यही बात हमारे संत महापुरुष ने बताई कि जीवन के अंदर निश्चयात्मक बुद्धि हो, जिससे बार बार नाम सुमिरन का अभ्यास करने से हम परम लक्ष्य परमपिता परमात्मा की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। प्रिय साथियों, यह सत्संग हंस आदेश अप्रैल 2015 में प्रकाशित हुई थी। प्रिय साथियों नमस्कार। आदरणीय उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज जी फराड़ी सैन गैरसैंग में कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, संस्कृत बोलिए कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जहां विधानसभा अध्यक्ष रीटू कुंडारी जी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी एवं विधायक गण उपस्थित रहे। देश के जाने माने संत बा जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर पायलट बाबा के निधन का दुखद समाचार मिला। आदरणीय उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री श्री महाराज जी ने उनके शोक संबद्ध भक्त जनों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट किए हैं और दिवंगत पुण्यात्मा को शांति मिले ऐसी कामना श्री महाराज जी किए हैं। परम पूज्य श्री महाराज जी के प्रेरणा से मिशन एडुकेशन के तहत परम पूज्य माता श्री अमृता जी के पावन जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर मानव सेवा समिति जिला जयपुर राजस्थान द्वारा राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय भानपुर कला जम्बारगढ़ जयपुर के 110 विद्यार्थियों को महात्मा शंकरहरि भाई जी के, महात्मा रचनानंद जी एवं महात्मा कमोदी भाई जी के द्वारा शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया।